नमस्कार। इजी खाना बनाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी मिठाई की रेसिपी। हम बनाएंगे स्पंजी रसगुल्ले, जैसे हल्दीराम वगैरह के आते हैं ना, ऐसे ही बढ़िया से रसगुल्ले। उसके लिए मैंने लिया है ये 1 लीटर दूध। दूध आप कोई भी ले लें, गाय का हो, भैंस का हो, जैसे ड्रम, या फिर ये देखिए मैंने पैकेट वाला दूध लिया 1 लीटर। ये फुल क्रीम दूध है। ये मैंने ले लिया एक पैन, ये देखिए 1 लीटर दूध मैं डाल रही हूँ पैन में। पैन में मैंने थोड़ा सा बेस में हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल दिए थे ताकि पैन हमारा जले ना। जब भी आप कोई भी उसमें दूध उबाल लें ना, या आप खोया बनाने के लिए कढ़ाई में दूध डालें, तो उसमें हमेशा नीचे हम पानी जरूर डाल लेना चाहिए 1-2 चम्मच। उससे क्या होता है, हमारे बेस में दूध ना जलता नहीं है। ये देखिए मैंने आँच में ऑन कर रही हूँ, मैं दूध को उबाल लूँगी अच्छे से जब तक हमारा दूध उबल नहीं जाता। ये देखिए दूध हमारा उबलने वाला है बिल्कुल, ये बॉईल आ गया। अब मैं आंच कर रही हूँ बिल्कुल बंद। ये देखिए मैं स्पंजी रसगुल्ले बना रही हूँ, उसके लिए मुझे छेना बनाना है। बस उसी के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये देखिए लेकिन अभी मैं, ये बहुत उबला हुआ दूध है, इसको पहले, अब ये नहीं है कि आप कम गर्म करके फिर इसको फाड़ेंगे, नहीं, अब छेना बनाने के लिए पहले पूरा उबालिए तभी आपका सॉफ्ट छेना बनेगा। फिर मैं इसको कर रही हूँ ऐसे ही 5 मिनट तक ठंडा करूंगी मैं इसको ऐसे ही, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका छेना बनाऊंगी। ये देखिए दूध हमारा थोड़ा सा ठंडा कर लिया मैंने अच्छे से, इसको मैंने पहले पूरा उबाला था, अब मैं इसका छेना बनाऊंगी। छेने के लिए ये देखिए मैं ले रही हूँ सिरका, ये व्हाइट वाला सिरका है, देखिए ये व्हाइट वाला सिरका है जो नूडल्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, बस वो ही 1 चम्मच भर के बड़ा। इसको मैं डायरेक्ट दूध में नहीं डालूंगी कभी भी, इससे बहुत हार्ड छेना बनता है। ये देखिए मैंने लिया एक गिलास, मैंने इसको गिलास में डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, मैं इसको देखिए गिलास में मैंने पूरा पानी से भर लिया है। ये देखिए दूध में मैं इसको एक बार में नहीं डालूंगी, ये देखिए मैंने कड़छी में दूध लिया, इसमें थोड़ा सा डाला, फिर मैंने मिक्स कर दिया। ये देखिए ऐसे, फिर मैंने थोड़ा सा दूध लिया, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला। ये मैं तब तक करूंगी जब तक कि दूध हमारा अच्छे से फट ना जाए, हमारा जो ग्रीन ग्रीन जो पानी होता है ना वो अलग ना हो जाए। ये देखिए मैं फिर थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर मैंने इसको वापस से डाला, फिर मैंने ये अच्छे से घुमाया, फिर मैंने दूध लिया, ये देखिए फिर मैंने थोड़ा सा डाला, फिर मैंने वापस से मिक्स किया, बस ऐसे ही। ये देखिए ये मैंने डाला, ये देखिए देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो गया, लेकिन मैं तब तक इसको ऐसे करूंगी जब तक दूध हमारा अच्छे से फट ना जाए। ये देखिए ये देखिए थोड़ा अच्छे से इसको घुमाते जाइए, ये देखिए कभी भी डायरेक्ट सिरका जो आप डालते हो ना, अगर आप डायरेक्ट गर्म दूध में इसको डालोगे तो जो आपका छेना बनेगा वो बहुत ही हार्ड बनेगा, उसके रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए हमारा पानी हो गया बिल्कुल अलग, ये देखिए परफेक्ट जैसे मुझे छेना चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसा बन गया। ये देखिए पानी हो गया हमारा अलग, ये देखिए बढ़िया छेना। ये देखिए मैंने लिया यहाँ एक बोल, बाउल लेके मैंने इस पे रखी एक छन्नी, छन्नी के बाद ये देखिए मैंने इसमें रखा एक कॉटन का कपड़ा, ये कॉटन का कपड़ा है, इसमें से हमारा पनीर अच्छे से छन जाएगा। ये जो हमने दूध को फाड़ा है ना, बस ये मैं वही छान रही हूँ। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसको अच्छे से, ये देखिए ये जो पानी हमारा नीचे बचा है ना इसको फेंके मत, या तो आप आटा मल लें इससे, या आप कभी जैसे कुछ भी कोई सब्जी बना रहे हो ना तरी वाली तो उसमें इसको यूज कर लें, या आप सूप बना रहे हो तो उसमें इसको यूज करें, तो बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं बहुत। ये वे होता है हमारा, इसको फेंके मत, ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसको मैं हटा देती हूँ,
ये देखिए जो हमारा छेना बना है इसको मैं करूंगी वॉश अच्छे से, क्योंकि इसमें जो हमने सिरका से फाड़ा है ना इसको, तो उसको सिरके का पूरा खटास इसमें से निकल जानी चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। इसको मैं अच्छे से वॉश करूंगी। ये देखिए हमारा ठंडा भी हो गया, ये पानी मैंने डाला है तो ये देखिए खूब अच्छे से पानी डाल के, आप एक जग पानी से मैं धो रही हूँ उसको अच्छे से, ताकि जितनी भी सिरके की खटास थी वो सारी निकल जाए। ये देखिए बढ़िया परफेक्ट। बस अब मैं इसको करूंगी इकट्ठा, पानी मुझे पूरा अच्छे से इसमें से निकालना है, क्योंकि इसमें अगर पानी रहेगा तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। देखिए ये देखिए मैं इसको अच्छे से दबा रही हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा सूखे वाला कपड़ा था ना, ये देखिए मैं इसको उसमें अच्छे से ऐसे करके ना इसको अच्छे से ऐसे दबा के, ये देखिए अच्छे से देखिए ये मैं ले रही हूँ किचन टॉवल। पनीर हमारा देखिए वैसे मैंने निचोड़ दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसको किचन टॉवल में अच्छे से लपेट के 5-7-10 मिनट के लिए रख देती हूँ। जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा ये सूख लेगा टॉवल, उसके बाद मैं इसके बनाऊंगी रसगुल्ले। ये देखिए एक कटोरी मैंने चीनी ली है, तो मैं कम से कम 6 कटोरी इसमें डाल रही हूँ पानी की। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, ये देखिए मैंने पनीर को अच्छे से टॉवल में लपेट के रखा था ना, इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो गया, इसमें पानी की अब एक भी बूंद नहीं रही। ये देखिए तभी हमारे रसगुल्ले जो है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया छेना हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। ये मैंने रख लिया, इसको मैं करूंगी हाथों से मैश। इसको आपको 5 मिनट ऐसे ही आपको मैश करना है हथेली से, ताकि इसके जो दाने हैं ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। ये देखिए ऐसे आपको बस ये 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे रसगुल्ले फट जाते हैं अगर इसमें कोई दाना रहेगा तो। ये जितना हमारा मुलायम होगा ना उतने ही रसगुल्ले बनेंगे हमारे स्पॉन्जी और गोल गोल। ये देखिए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, देखिए बिल्कुल हमारा जो मैंने बनाया है ना कितना परफेक्टली, एक भी इसमें दाना नहीं है। ये देखिए कितना परफेक्ट कितना सॉफ्ट, मैंने इसको 5 मिनट से ऐसे मसल रही हूँ। ये देखिए बस ये हो गया हमारा। ये देखिए ये है कॉर्नफ्लोर, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। ये देखिए ये एक जो चम्मच हम जिससे दाल चावल खाते हैं ना, बस ये वही चम्मच है, एक चम्मच लिया मैंने और ये लिया मैंने पूरा अच्छे से, ज्यादा नहीं भरा। ये देखिए ये लिया मैंने दूसरा चम्मच, बस ये आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। इससे क्या होगा हमारे जो स्पंजी रसगुल्ले बनेंगे ना उनकी शेप परफेक्ट रहेगी, वो दबेंगे नहीं बनने के बाद। बस इसको अच्छे से पूरा ऐसे आपको मिक्स करना, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद पूरा अच्छे से मिक्स करें इसको अच्छे से। ये देखिए बढ़िया, बस ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगी इसकी गोल गोल रसगुल्ले के लिए गोलियां, ऐसे थोड़ा सा पार्ट लें। ये देखिए जब तक आप ऐसे करते रहें, जब तक इसमें कहीं से कोई दरार ना हो, कहीं से कोई क्रैक ना हो, ये फटा हुआ ना हो। ये देखिए बस ऐसे ये मैं ऐसे बना के रख लेती हूँ, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं थोड़ा मीडियम साइज ही रख रही हूँ, बहुत बड़े नहीं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया था, जिससे इस साइज के हमारे मेरे ख्याल से 8 से 10 रसगुल्ले बन जाएंगे आराम से।
अच्छा ये फूल लेंगे वैसे भी, ये बनने के बाद ना खूब अच्छे से फूल लेंगे। देखिए ये मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं, ऐसे ही मैं सारे बना के रख लेती हूँ। ये देखिए बॉल्स मैंने सारे बना लिए हैं। ये देखिए मैं कह रही थी ना, 1 लीटर दूध से हमारे 10 बॉल्स बन गए हैं। ये अभी देखना, ये मैंने मीडियम साइज की बनाई है, लेकिन ये फूल के काफी मोटी हो जाएंगी। अब मैं दिखाती हूँ, मेरी चाशनी भी उबल रही है। ये देखिए चाशनी हमारी अच्छे से उबल गई है। मैंने 1 कप चीनी और 6 कप पानी लिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ उसमें, इसमें मैं इकट्ठे नहीं डालूंगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ ये जो मैंने गोल गोल बॉल्स बना के रखी है ना, ये एक गई। अभी जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती मैं दूसरी नहीं डालूंगी, क्योंकि एकदम से नहीं तो चाशनी का जो हमारा टेम्परेचर है ना वो चेंज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ये देखिए थोड़ा सा उबलने लगेगी, ऊपर आ जाए तभी मैं दूसरी डालूंगी। एकदम से आप सारी इकट्ठे मत डालिएगा, नहीं तो जैसे टेम्परेचर लो जाएगा चाशनी का और हमारे रसगुल्ले जो अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ दूसरा। ये देखिए अभी जब दूसरा जब ऊपर आ जाएगा तभी मैं दूसरा डालूंगी इसके बाद। ये देखिए दूसरा रसगुल्ला हमारा ऊपर आ गया। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसके बाद तीसरा। अभी तीसरा अच्छे से उबल जाए हमारी चाशनी का, मैं नहीं चाहती कि टेम्परेचर कम हो जाए, वो जब उबलने लगेगा ना तभी मैं डालूंगी। ये देखिए चौथा, अभी जब ऊपर आ जाएगा तभी मैं, ये देखिए अब गलती से भी एक बार में सारे ना डालें, जैसे ही पहला जब ऊपर आ जाए ना उबल के तभी आप दूसरा रसगुल्ला डालें उसके बाद से, नहीं तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, रसगुल्ले जो है हमारे स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, वो खींचे खींचे रबड़ जैसे बनेंगे। ये देखिए रसगुल्ले हमारे सारे ऊपर आ गए। ये देखिए मैंने डाला, ये मेरे 1 लीटर दूध से 10 रसगुल्ले बन गए हमारे। ये देखिए कितना बढ़िया, ये मैंने फुल फैट दूध लिया था, मैंने पैकेट वाला लिया था, आप कोई सा भी दूध लें, ये छेना मैंने घर पे बना के ताजा ताजा छेना। ये देखिए इसको मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी, 5 मिनट में इसको ऐसे ही उबलने दूंगी खुला, इसको मैं कवर नहीं करूंगी। ये देखिए 5 मिनट से हमारे रसगुल्ले खुले, मैंने बिना बिल्कुल टच नहीं किया इनको, पक रहे हैं। अब मैं इनको हल्का हल्का सा बिल्कुल हल्के हल्के पलटेंगे हम, कोई इनको वैसे जोर से नहीं किसी भी चीज़ से नहीं करेंगे, हल्के से पलट के अब मैं इनको कवर करके 5 मिनट फिर पकाऊंगी, फिर मैं हल्का सा इनको हिलाऊंगी। ये मुझे लगेंगे इसको पकाने में 20 मिनट, मुझे 20 मिनट इनको उबालना है। ये देखिए पहले से बॉल्स की साइज जो था वो थोड़ा फूल गया है, अभी मैं इसको 5 मिनट कर रही हूँ कवर, 5 मिनट के बाद मैं इसको फिर से हिलाऊंगी हल्का हल्का सा। ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको खोल के पकाया था, 5 मिनट से हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं ढक्कन लगा के, और ये देखिए ऑलमोस्ट इनका साइज जो है वो डबल हो गया। ये देखिए जरा, और अभी मुझे 10 मिनट इनको और पकाना है। गैस को बिल्कुल भी स्लो मत करें, ये हाई पे पकेंगे, इनको फुल फुल पे, जैसे गैस आपकी फुल पे है इसीलिए मैंने हॉट प्लेट से उतार के इसको गैस पे रखा है, क्योंकि उस पे ये अच्छे से नहीं पक रहे थे। ये देखिए बस हल्का से आप इसको पलटेंगे, ये देखिए कितने बढ़िया। अभी अगले 5 मिनट फिर मैं इसको ढक के पका रही हूँ, फिर मैं खोल के इसको हल्का सा हिलाऊंगी, तब तक 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। ये देखिए रसगुल्ले हमारे 15 मिनट से पक रहे हैं, 5 मिनट मैंने खोल के पकाया था इनको, और अगले 5 मिनट मैंने इनको ढका था, और अगले 5 मिनट फिर मैंने हिला के दोबारा से इसको ढका था। ये देखिए कितने बढ़िया स्पंजी फूल गए हैं, कितने हमारे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट। अभी मैं इनको 5 मिनट हल्का सा मैंने सिर्फ हिलाने के लिए खोल लिया, अगले 5 मिनट मैं इनको और पकाऊंगी। ये देखिए रसगुल्ले हमारे उबल रहे हैं, बस अब 2-3 मिनट में वो हमारे होने वाले हैं, मैंने टोटल 20 मिनट के आसपास उनको पकाऊंगी बस 2 मिनट के बाद। ये उसके उससे पहले मैंने क्या किया है, मैंने लिया एक बाउल में, देखने एक बाउल में मैंने लिए बर्फ, बर्फ के टुकड़े हैं, इसमें मैंने डाला है ठंडा पानी। मैं इसमें से रसगुल्ले निकाल के डायरेक्ट डालूंगी ठंडे पानी में, ताकि उनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, नहीं तो उनकी शेप जो है ना वो फिर बैठ जाएंगे। अगर मैं इसको ठंडे पानी में डालूंगी ना तो उनकी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी फूली हुई, तो मुझे एकदम से उनको निकालते ही इसमें ठंडा करना है, और चाशनी को मैं उसी में छोड़ दूंगी। ये देखिए
आज मैंने बंद कर दी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं इसमें से डायरेक्ट निकाल के मैं डाल रही हूँ उसको डायरेक्ट आइस वाले पानी में, ताकि इनकी जो शेप है वो बिल्कुल खराब ना हो। देखिए इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं के वहीं रुक जाए। देखिए कितने बढ़िया गोल गोल, चाशनी मैं थोड़ा सा और गाढ़ा कर लूंगी। ये देखिए कितने फूल गए हैं, ये जितने शेप के मैंने बनाए थे ना इससे डबल हो गए। ये देखिए ये मैंने पूरी रात इनको फ्रिज में रखा है। रसगुल्ले हमारे ठंडे हो गए हैं, चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। देखिए क्या बढ़िया गोल गोल रसगुल्ले। देखिए इसने बिल्कुल भी अपना साइज जितना था ना, जितना मैंने बनाए थे उससे भी डबल साइज हो गया। चाशनी में देखिए कितना और फूल गया ये। देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ डाल के, आपको दिखाती हूँ कि जैसे अगर मैं इसमें से चाशनी भी निकालूंगी ना तब भी वापिस से अपना जितना मोटा है ना, जितना इसका गुलाई है उतना ही रहेगा, ये दबेगा नहीं। देखिए अभी भी देखिए मैं स्क्वीज करके दिखा रही हूँ। देखिए ये मैंने पूरा, देखिए ये देखिए, ये देखिए वापस इतना स्पंजी है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कैसे पूरा बैलून की तरह हमारा इतना स्पंज है। देखिए हमारे रसगुल्ले में, ये देखिए कितना बढ़िया रसगुल्ले बनके हो गए हमारे तैयार। इनको मैंने कल शाम को बनाया था, मैंने इनको पूरी रात फ्रिज में रख ही रखा, तो ये अब हमारे अच्छे से चिल्ड हो गए हैं। इनको ठंडा ही सर्व करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाए तो कैसे आपके बने। अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन कोई पुट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये रसगुल्ले बना के आप एंजॉय करें। ये देखिए कितने बढ़िया, कल शाम को मैंने ये बनाए थे, मुझे मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा। मैंने सिर्फ 1 लीटर दूध से बनाए हैं जिसमें मेरे 10 पीस तैयार हो गए हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।